जिस गार्लिक मसाला पाव के लिए मैंने 2 आलू बॉईल करके मैश करके रख दिए हैं, इसमें मैंने 4 बड़ी करी लहसुन और 1 बड़ी हरी मिर्च ली है। इसे मैं बारीक चॉप करके आलू में डाल दूंगी। फिर मैंने चीज ग्रेटेड करके रखा है, वो भी इसमें डाल दूंगी। थोड़ा नमक डाल दूंगी। पाव भाजी का मसाला मैंने घर पे बनाया है, वो भी डाल दूंगी। इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में रख दूंगी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने ब्रेड बनाई थी, इसमें से हमारा आधा डो बचा था, आधे से मैं पाव बना दूंगी। अब मैं इसे इसमें जो मसाला मैंने बनाया था वो रख दूंगी, फिर वापस इसे बंद कर दूंगी। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एयर ना रहे। आपको इसे अच्छे से पैक कर देना है। सारे बन आपको ऐसे ही तैयार कर देने हैं। मेरे पास वो चौकी नहीं है तो मैं ये डब्बे का ढंकन है एल्यूमिनियम का, उसमें रख दूंगी। पहले मैं इसमें ग्रीस कर दूंगी ऑयल को, फिर सारे बन इसमें रख दूंगी। अब हम इसे 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। हमारे पाव फर्मेंट हो चुके हैं, इसके ऊपर हम मिल्क लगा देंगे ताकि पाव का कलर अच्छा आए। अब हम इसे ओवन में बेक करने के लिए रख देंगे। ओवन को मैंने पहले से ही प्रीहीट करने के लिए रख दिया था। इसको मैं 250 पे 10 मिनट तक रखूंगी। दस मिनट हो गए हैं, हमारे बन तैयार है। अब हम इसे ओवन में से निकाल देंगे। अब हम इस पे बटर डाल देंगे, अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। हमारे पाव तैयार हो गए हैं, मैंने एक प्लेट में निकाल दिए हैं। आप देख सकते हो बीच में से कितना अच्छा लग रहा है। आप इसे सॉस के साथ सर्व कर सकते हो।